प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार की धार तेज करते हुए गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रति गुस्सा कर्नाटक में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को लेकर कलाकारों का विरोध और भी तेज हो गया है। अब सिने जगत की कई हस्तियों ने भी ट्विटर पर रामनाथ कोविंद के सिर्फ 11 विजेताओं को पुरस्कार देने की बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आनंद संस्थान द्वारा आयोजित आनंद व्याख्यान में शिवराज ने कहा कि जिस कुर्सी पर माननीय मुख्यमंत्री लिखा है उस पर कोई भी बैठ सकता है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह का ये बयान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे से एक दिन पहले ही आया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बुधवार की रात आए आंधी तूफान ने 99 लोगों की जान ले ली। राजस्थान में जहां 35 लोगों की जान चली गई, वहीं उत्तर प्रदेश में अभी तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग इस तूफान में घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर मचा बवाल तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति की तस्वीर यूनिवर्सिटी में लगी हुई थी। हालांकि विवाद बढ़ने से जिन्ना तस्वीर को फिलहाल हटा दिया गया है। इसी के चलते अब मशहूर गीतकार और लेखक शायर जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर पूछा है कि ना तो वह छात्र है ना ही शिक्षक, तो फिर तस्वीर क्यों लगाई। सुप्रीम कोर्ट में आज SC/ST एक्ट पर सुनवाई के दौरान जमकर बहस हुई। कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट में FIR से पहले अफसर संतुष्ट हो कि किसी को झूठा तो नहीं फंसाया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर ही गिरफ्तारी की जाए। इस पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा है कि ये कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वकील माइकल कोहेन को $1,30,000 की वो राशि लौटा दी है जो कोहेन द्वारा उनकी तरफ से पॉर्न स्टार स्टॉमी डैनियल उर्फ स्टीफन क्लिफोर्ड को दी जा चुकी है। न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रुडोल्फ W. गुलियानी ने यह जानकारी दी है। दिशा पटानी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म बागी के बाद फिर चर्चा में है। वजह है उनका हालिया वीडियो जिसमें वे अपने कोरियोग्राफर के साथ डांस करती दिख रही हैं। ये डांस अपने आप में गजब है, लेकिन दिशा बाकी वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी ट्रोलिंग से नहीं बच सकी। दिशा के फैंस ने उनकी ड्रेस पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर बंद हुए हैं। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 73 अंक की गिरावट के साथ 35,103 के स्तर पर और निफ्टी 38.40 अंक की कमजोरी के साथ 10,689 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है।